हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सिमी, जो आपको अपने एक लिटिल गार्डन का ओवरव्यू देने के साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि आज मेरे गार्डन की हालत कैसी हुई है। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे हैंड में ये कुछ टर्टल वाइन जो इस टाइम काफ़ी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि अब इनका सीज़न आने वाला है और ये टर्टल वाइन पूरी तरह से अब ग्रोइंग पीरियड में है। तो मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से अपनी प्लांट्स उनकी ब्रांचेस को निकाल के किस तरह से इनको ग्रो कर सकते हैं अब और ज़्यादा इनकी प्लांट्स बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा व्यू दिखाना चाहूंगी अपने बालकनी गार्डन का, जो आज तेज़ हवा के कारण बहुत ही डैमेज हो गया है। और मैंने अपने सारे प्लांट्स बालकनी की दीवार से हटा के नीचे ही सेट कर दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरा ये गजानिया जो कितना सुंदर सनलाइट में अपनी ग्रो कर रहा है और इसमें अभी बहुत सारी कलियां आ रही हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनके साइज़ छोटे हो रहे हैं फ्लावर्स के, क्योंकि अब इनका सीज़न जाने वाला है। अब मुश्किल से ये एक डेढ़ महीना और रहेंगे, फिर हमारे समर के फ्लावर आ जाएंगे। और इसके बाद ये एक और गजानिया की वैरायटी है, देखिए कितना सुंदर फूल है। इसको गिलहरी ने डैमेज कर दिया था, ये देखिए इसकी कली को उसने पूरी तरह से डैमेज किया था। इसमें जो कुछ पंखुड़ियाँ बची हैं उनसे ये फ्लावर निकल के आ गया है। तो मैंने अपनी दीवारों से हटा के सारे पॉट नीचे ही लगा दिए हैं। ये पिटोनिया है, ये है देखिए मेरा प्लांट जरेनियम, और वो है डेजी जिसमें अभी बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, और गुड़हल है, और ये मिनी पेंजी। ये सारे मैंने दीवार पे रखे हुए थे, अपनी बालकनी की दीवारों पे लगाए थे। अभी मैंने दीवार पे कुछ सपोर्टर नहीं लगाया इनके लिए, जिसकी वजह से तेज़ हवा चल रही और ये डैमेज हो रहे थे। तो मेरे दो गमले आज डैमेज हो गए। तो एक गमले में मैंने ये फ्यूसिया का प्लांट लगा रखा था और ये मेरा गमला टूट गया गिर के, तो मैंने इसको निकाल के फ्यूसिया के प्लांट को ये पिटोनिया के ही गमले में अभी मैंने इसको रख दिया है और इसको सेट कर दिया है उसी में, क्योंकि पिटोनिया अब चला जाएगा तो कम से कम गमला खाली नहीं रहेगा। और इस तरह से दो तीन मेरे गमले आज डैमेज हुए हैं तेज़ हवा के कारण, जिसकी वजह से मैंने ये सारे प्लांट्स अपनी बालकनी के एक कोने में सेट कर दिए जहाँ पे सनलाइट आ रही है। और देखिए अभी हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से दीवार के सहारे टंगे हुए हैं तो उन पर हवा का उतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। और तो मैंने ये बहुत सारे प्लांट्स अपने नीचे एक साइड में रख दिए हैं ताकि ये डैमेज ना हो। ये मेरा पिटोनिया, ये है पेंजी जो मैंने दीवार पे रखा हुआ था येलो कलर का, तो ये भी मैंने बचाया, तेज़ हवा के कारण ये भी गिर गया था, इसको मैंने नीचे रख दिया है। और ये है वाइट पेंजी, देखिए कितने सुंदर फूल हैं अभी भी इस पर। ये रेड एंड वाइट पिटोनिया था और ये गमला भी मेरा पूरा भरा हुआ बालकनी की दीवार पे ही रखा हुआ था, और जिसको मैंने उतार के अब नीचे डाल दिया है। इसी तरह से मैंने अपनी बालकनी को सजाया हुआ था, लेकिन तेज़ हवा के कारण मुझे प्लांट्स नीचे शिफ्ट करने पड़े, लेकिन हैंगिंग प्लांट्स अभी मैंने ऐसे ही हैंग कर रखे हैं। और अब मैं आइए आपको बताती हूँ कि मैंने जो ये टर्टल वाइन की कुछ ब्रांचेस निकाली हैं मदर प्लांट से, वो किस तरह से हम गमले में लगा के इसको ग्रो करेंगे। इसकी देखिए जो नीचे वाली लीव्स हैं वो मैंने हटा दी हैं, और इसकी जो ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से लीव्स निकल रही हैं उसको आप हटा लीजिए और इस तरह से, और अब मैं इसको गमले में लगा दूंगी। एक होल बना लेती हूँ
और उसमें मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके लगा दूँगी। दो दिन में इसकी रूट्स इसको पकड़ लेंगी और ये इस तरह से बन जाएगा। ये भी एक टर्टल वाइन ही है मेरी जो रेस्ट पीरियड में है, इसको भी मैं इसी तरह से एक होल बना के इसमें लगा देती हूँ ताकि जैस जब गजानिया का सीज़न चला जाएगा तो गमला मेरा खाली ना रहे, इसमें कुछ लगा रहेगा। तो इसी तरह से आप इनकी सारी ब्रांचेस ऐसे ही कट करके लगा लीजिए। तो इसकी छोटी से छोटी ब्रांचेस भी चल जाती हैं टर्टल वाइन की, और एक गमले में आप लगा लेंगे तो बहुत सारे गमलों में आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बना के होल में लगा दीजिए, दो तीन दिन में ये सेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने ये टर्टल वाइन भी लगा दी है गमले में और गजानिया के साथ, ताकि जब गजानिया का टाइम चला जाए तो मेरा गमला खाली ना रहे। और इसी तरह से मैं और छोटी छोटी इसमें कटिंग लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी बालकनी को शिफ्ट कर दिया है नीचे सारे प्लांट्स को, ताकि ये हवा में डैमेज ना हो। और मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, और केयर ही मांगते हैं ये प्लांट्स बेसिकली। आप देखें तो इनको थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी केयर चाहिए, टाइम पे पानी और खाद चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी बालकनी के एक कोने में इनको शिफ्ट कर दिया है जब तक हवा तेज चल रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस छोटे से व्यू के साथ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, आप अपने बालकनी की केयर कीजिए, ध्यान रखिए अपने पौधों का और अपना भी। सो गाइस, प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।